हेलो दोस्तों। तो ये जो योगी जी वाला ये टैब मिल रहा है एसर का, उसमें कोई भी ऐप डाउनलोड करने के बाद डिलीट नहीं हो रहा है। तो आज एक ऐसा सिस्टम बताने जा रहा हूँ जिससे आप मतलब ऐप डाउनलोड करने के बाद डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी ऐप इंस्टॉल करेंगे डिलीट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अपने सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिस्टम में जाके जाना है। उसके बाद से यहाँ पे सबसे नीचे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो एडवांस है इसमें जाना है। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे मल्टीपल यूज़र करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे आपका ये जो ऑनर है यू करके है एडमिन पे, तो यहाँ से आपको हटा के गेस्ट गेस्ट पे कर देना है, या आपको यूजर मतलब बनाना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, गेस्ट पे करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब यहाँ से आप जो भी डिलीट वो ऐप डाउनलोड करेंगे, वो भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे जो भी ऐप डाउनलोड करेंगे आप डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। हेलो, और जब ये अब आप अपना मतलब फ़ोन ऑफ करके ऑन करेंगे फिर से आपका वही वाला आ जाएगा सिस्टम। इसीलिए एक ही चार्ज किए आपको चलाना पड़ेगा, या मतलब ये करने के बाद फिर से आपको अपना जीमेल आईडी बनाना पड़ेगा, उसके बाद से कुछ डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद आप मतलब कर सकते हैं और डिलीट के भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर से अपना मतलब जो पहले था वापस था उसी वैसे लाना है, मान लीजिए जो पहले से व्हाट्सएप वगैरह कुछ बनाए हैं वो फिर से लाना है, तो यहाँ पे जाइए आप, फिर से सिस्टम में जाएंगे, यहाँ पे एडवांस में जाएंगे, फिर यहाँ पे मल्टीपल यूजर इसमें जाएंगे, फिर यहाँ पे रिमूव गेस्ट कर देंगे, रिमूव, फिर से आपका पुराना वाला आ जाएगा।